हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इनफिनिट क्लास में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो रिलेटेड है कपलिंग एंड कोहेजन टॉपिक से, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का है। ये जो कपलिंग एंड कोहेजन टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है। तो इस पर भी हम डिस्कशन रखेंगे कि क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहा जाता है कपलिंग एंड कोहेजन टॉपिक को, जो किससे रिलेटेड है, मतलब किसके अंदर आता है। तो ये जो है वो डिज़ाइनिंग फेस के अंदर आता है। जो डिज़ाइनिंग फेस होता है SDLC के अंदर, उसकी बात की जाती है। और यहाँ पर हम उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं कपलिंग एंड कोहेजन में। और मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं UGC NET एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि कपलिंग क्या होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले, मतलब दो वीडियोज में मेरा जो है वो बनेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि पहला जो वीडियो होगा वो कपलिंग से रिलेटेड होगा, और उसके बाद जो वीडियो होगा वो कोहेजन से रिलेटेड होगा। क्योंकि ब्रीफ डिस्कशन हमको करना था यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाने का सोचा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कपलिंग से रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों बोला जाता है कपलिंग एंड कोहेजन टॉपिक को। तो जैसे कि हमें पता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये डिज़ाइनिंग फेस से रिलेटेड है। मतलब डिज़ाइनिंग फेस यानी कि हम जब एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो वहाँ डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, डिफरेंट स्लाइड्स जिसे हम कहते हैं। तो उन मॉड्यूल्स के बीच में कैसा डिपेंडेंसी है, मतलब अगर वो ज़्यादा डिपेंडेंसी रख रहे हैं एक दूसरे पे तो भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर किसी एक मॉड्यूल को अगर वर्क करना है तो वो डिपेंड रहेगा किस पे, किसी दूसरे मॉड्यूल पे। तो ये भी काम हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर मॉड्यूल अपने में क्या है, इंडिविजुअलाइज्ड है। और दूसरा चीज़ हमें क्या याद रखना रहता है, जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो कोई एक मॉड्यूल जो रहेगा, उन डिफरेंट मॉड्यूल में से कोई एक मॉड्यूल जो रहेगा उनके अंदर बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स हैं, फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस हैं जो एक साथ वर्क करेंगे। तो उन सभी डेटा एलिमेंट्स में भी अपना कोई स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है, कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से होना चाहिए, कि कौन किसके बाद कैसे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ही कपलिंग और कोहेजन का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो अब हम यहाँ समझते हैं कि कपलिंग होता क्या है एक्चुअल में। तो इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, ठीक है। जो कपलिंग है वो क्या को बताता है, डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। जैसा कि मैंने बोला, जब हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, तो उन मॉड्यूल्स के बीच में जो इंटरडिपेंडेंसी ये वर्ड है इसकी बात करता है, कि इसकी डिग्री को बताता है कौन, कपलिंग, ठीक है। एकदम सिंपल और शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, जो हमें, जिसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हमें याद भी रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो क्या याद रखना है हम लोग को, कपलिंग मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसीज कैसा है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसीज कैसा है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कि जैसे फ्रेंड्स ले लेते हैं, और जब वो मैरिज हो जाता है जब उनका, तो उसकी बात लेते हैं। तो जब हम फ्रेंड्स की बात करते हैं तो नॉर्मल वो लोग जब फ्रेंड रहते हैं तब वो अपने डिसीजन खुद से लेते हैं, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन जब उनकी मैरिज हो जाती है या फिर इस तरीके से वो किसी भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो उनका जो भी डिसीजन रहेगा वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे, किसमें, सॉफ्टवेयर में, तो फिर उन पे जो डिपेंडेंसीज होगी वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। इसलिए कपलिंग को हमेशा हम क्या भी बोलते हैं, कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी मॉड्यूल्स के बीच में जो डिपेंडेंसी होनी चाहिए वो कम होना चाहिए, कि हम अगर किसी भी मॉड्यूल को इंडिविजुअली उनको वर्क करवाना चाहे तो हम करा सकते हैं, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड रहता है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या बताता है, कपलिंग का बताता है। तो ये ओवरऑल था क्या, कि कपलिंग होता क्या है, क्या की बात करता है, कि डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, क्या है कि कपलिंग के टाइप्स, अब उससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कपलिंग के टाइप्स जैसे कि पहला आपको दिख रहा है डेटा कपलिंग, देन नेक्स्ट क्या आता है, स्टेम कपलिंग, फिर कंट्रोल कपलिंग, हाइब्रिड कपलिंग, कॉमन कपलिंग और कंटेंट कपलिंग। ये जो छह टाइप्स हैं ये किसके अंदर आते हैं, कपलिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। और हमें इसको याद रखना है, सीक्वेंस वाइज ही याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज़, जैसा कि आप ये देख रहे हैं वर्स्ट और बेस्ट,
तो ये क्या बता रहा है? वर्स्ट और बेस्ट मतलब कि कपलिंग के कॉन्टेक्स्ट से, कपलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट कौन होगा, तो उसका नाम हम क्या लेंगे? कंटेंट कपलिंग। ठीक है, कंटेंट कपलिंग सबसे बेस्ट कपलिंग होती है। और अगर वर्स्ट की बात करें तो डेटा कपलिंग होता है। क्लियर? तो जैसे कि मैंने बोल दिया है कि एरो भी दे दिया, ऊपर वाला वर्स्ट है, सबसे वर्स्ट, फिर उससे सेकंड वाला वर्स्ट, फिर उससे वर्स्ट करते करते जो है वो क्या है? बेस्ट है। ठीक है, मतलब सबसे वर्स्ट डेटा कपलिंग है और सबसे बेस्ट कंटेंट कपलिंग है। तो इस पर मैं फोकस इसलिए कर रही क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वर्स्ट कपलिंग कौन सा है, बेस्ट कपलिंग कौन सा है, और हमें जब पूछता है कि लो कपलिंग किसको लिया जाए तो उन पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी कपलिंग को डिस्कशन में रखते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? डेटा स्टेम कंट्रोल, हाइब्रिड, कॉमन, कंटेंट, बेस्ट वर्स्ट से बेस्ट हमें याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला जो बात है वो है कपलिंग के टाइप्स में। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? डेटा कपलिंग की बात की। तो यहाँ देखते हैं कि डेटा कपलिंग क्या से रिलेटेड है। अब डेटा कपलिंग जो है, टू मॉड्यूल्स आर डेटा कपल्ड। मॉड्यूल्स के बीच की बात हो रही है। जब मॉड्यूल्स के बीच की बात होती है, मतलब एक मॉड्यूल्स की नहीं, पूरे सॉफ्टवेयर में जितनी मॉड्यूल्स होंगी उनकी बात हो रही है, कौन करता है? कपलिंग करता है। और कैसी होनी चाहिए? उनकी डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, इसलिए डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी की बात करता है। सबसे पहला कपलिंग का टाइप्स क्या है? तो डेटा कपलिंग क्या कह रहा है कि इफ़ दे कम्युनिकेट यूजिंग एलिमेंट्री डेटा आइटम। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्री मतलब किसी भी डेटा आइटम के साथ जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेट इज़ पास्ड एज अ पैरामीटर बिटवीन द टू आर्ग्यूमेंट्स, बिटवीन द टू आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रहा है। मतलब जब हम किसी भी डेटा एलिमेंट्स को पास करते हैं किसी पैरामीटर के थ्रू, जैसे कि हम कैसे डेटा एलिमेंट को पास कर सकते हैं? पास इंटीजर हो गया, ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप हो सकता है, वो डेटा एलिमेंट कैरेक्टर डेटा टाइप हो सकता है। तो ये सारे जब हम पास करते हैं, क्या करते हैं? कम्युनिकेट कराने के लिए डेटा आइटम्स को, तो वो किस पे डिपेंड करता है? डेटा कपलिंग की बात करता है। जब हम कोई डेटा एलिमेंट को पास करते हैं किसी पैरामीटर के थ्रू, तो वो किस को बताता है? डेटा कपलिंग को बताता है। सेकेंड, नेक्स्ट जो बोल रहा है वो स्टेम कपलिंग की बात कर रहा है। स्टेम कपलिंग क्या बोलता है? टू मॉड्यूल्स आर स्टेम कपल इफ दे कम्युनिकेट यूजिंग अ कंपोजिट डेटा आइटम। ठीक है, कंपोजिट डेटा आइटम मतलब कि जैसे हो सकता है कि हम एक बोल सकते हैं बंच किसी भी डेटा एलिमेंट का। तो बंच क्या क्या हो सकता है? लाइक एरे, एरे भी एक तरीके का क्या है? बंच है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कैसे होने चाहिए? हेट्रोजीनियस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स जिसमें रखे रहते हैं। तो इस टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर होंगे जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो वो किस पे जाता है? स्टेम कपलिंग, जिसके लिए हमें क्या याद रखना है? कंपोजिट डेटा आइटम। कंपोजिट डेटा आइटम क्या होता है? तो जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर की जब एक साथ बात की जाती है, जैसे एरे हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, तो ये सारी जो है वो स्टेम कपलिंग की बात आती है। नेक्स्ट, कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग क्या बोल रहा है? एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉड्यूल्स इफ़ डेटा फ्रॉम वन मॉड्यूल इज़ यूज्ड टू डायरेक्ट द अदर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन अनदर। ऑर्डर इन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन इन अदर। कंट्रोल नाम से समझ में आ रहा है कि क्या होगा? एक मॉड्यूल का जो कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोलिंग जो पावर है या उसको एग्जीक्यूशन करने का पावर है, वो किसी और मॉड्यूल के पास है। अगर वो इंस्ट्रक्शंस देगा, जिस भी ऑर्डर में देगा उस हिसाब से ही जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो कम्युनिकेट होगा या फिर एग्जीक्यूट होगा। तो वो किसके अंदर आता है? कंट्रोल कपलिंग। नेक्स्ट देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग क्या बोल रहा है? टू मॉड्यूल्स आर कॉमन कपल्ड इफ दे शेयर सेम ग्लोबल डेटा आइटम्स। ठीक है, जब वो क्या शेयर करेंगे? सेम ग्लोबल डेटा आइटम्स की बात करेंगे। मतलब कॉमन कपलिंग कैसा होगा? नाम से पता चल रहा है कॉमन होना, तो जहां पर वो लोग क्या करते हैं, सेम टाइप के जो डेटा आइटम्स होंगे उनको क्या करेंगे? कम्युनिकेट करवाएंगे, तो वो होगा कॉमन कपलिंग।
अगला देखते हैं जो कि है कंटेंट कपलिंग। और कंटेंट कपलिंग ही क्या था, सबसे बेस्ट माना जाता है। क्लियर। तो कंटेंट कपलिंग क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉड्यूल्स इफ दे शेयर कोड, जब वो अपने कोड को शेयर करेंगे, दैट इज जंप फ्रॉम वन मॉड्यूल इनटू द कोड ऑफ अनदर मॉड्यूल। मतलब जैसे हमने पढ़ा है गो टू लेबल्स पढ़ा है हमने, ठीक है। गो टू लेबल्स में क्या होता है कि एक गो टू का पार्ट होता है और उसके बाद फिर इसके कुछ स्टेटमेंट रहते हैं और इसका जो लेबल होता है वो कहीं और रहता है और उसके कुछ स्टेटमेंट होते हैं। तो जैसे ही हमें गो टू फेच हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ, तो फिर ये जंप करके कहाँ चला जाता है, उसी के लेबल में चला जाता है और उसके डेटा इंस्ट्रक्शंस जो भी रहेंगे उनको एग्जीक्यूट करता है। तो वही बोल रहा है कि मॉडर्न हाई लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी डू नॉट सपोर्ट जंप्स अक्रॉस मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं कि जो कंटेंट कपलिंग है उसको हमें क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर वो शेयर करता है कोड को, डेट इज़ जो किस पे ज़्यादा डिपेंड करता है, जंपिंग फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल। तो ये जो था वो कंटेंट कपलिंग से रिलेटेड था। तो हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ नहीं रखा है, जो मोस्ट मुझे बताना था वो था। दूसरा जो क्वेश्चंस के टाइप हो सकते हैं वो क्या हो सकता है कि इसके तो एक डेफिनेशन पे क्वेश्चन आएगा कि कपलिंग मेन किस चीज़ के लिए है। दूसरा टाइप्स कितने हैं, सीक्वेंस। थर्ड क्वेश्चन जो बन सकता है वो वर्स्ट और बेस्ट से रिलेटेड, कि कौन सा वर्स्ट कपलिंग है, कौन सा बेस्ट कपलिंग है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कपलिंग टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट जो देखते हैं, मैंने जो एक क्वेश्चन रखा है उस पर हम बात करते हैं। यहाँ आप जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, ठीक है। वही बता रहा है कि उन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स के बीच में इंटरकनेक्शन मेजर करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू कपलिंग, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया है हम लोग को, कौन सा करेक्ट है वो हमें बताना है। पहला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, कॉमन कपलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अकर्स वेन वन मॉड्यूल कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ अनदर मॉड्यूल बाई पासिंग इट इंफॉर्मेशन ऑन वॉट टू डू। तो यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है कि एक मॉड्यूल कंट्रोल कर रहा है फ्लो ऑफ अनदर मॉड्यूल का, तो गलत है भाई। ये किस पे हमने बात किया था, ये बात किया था हमने कंट्रोल कपलिंग में, है ना, ये कॉमन कपलिंग की बात ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, पी फॉल्स हो गया। कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर इज पास्ड फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर थ्रू पैरामीटर्स, पैरामीटर से रिलेटेड बोल रहा है, डेटा कपलिंग की बात कर रहा है, सही बोल रहा है। जहां हमने बताया था कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं किसी डेटा एलिमेंट्स के थ्रू, जब उनको पास करते हैं एज अ पैरामीटर, तो वो क्या कहलाता है, डेटा कपलिंग। तो क्यों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर, स्टैंड कपलिंग ऑकर्स व्हेन मॉड्यूल्स आर शेयर कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर एंड यूज ओनली पार्ट ऑफ इट। तो स्टैम कपलिंग में बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर, जहां हमने देखा था स्टैम कपलिंग कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने, एरे हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, तो उसके कुछ पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो देन दिस इज कॉल्ड स्टैम कपलिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्यू एंड आर वॉज द करेक्ट, हमें करेक्ट की बात किया था, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री जो कि है क्यू एंड आर। और ऐसे ही रिलेटेड आपको कपलिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके टाइप के डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, और हम मैंने बताया कि और किस टाइप से क्वेश्चंस हम कपलिंग के देख सकते हैं, तो वो इजी वाला था इसलिए मैंने नहीं बताया। इस टाइप का जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आपको और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ प्रीवियस पास साल के क्वेश्चंस वहाँ हमने रख चुके हैं, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, उन वीडियोस के लिंक, तो आप जाके ज़रूर देखें। और आई होप आपको आज का कपलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोहेजन से रिलेटेड देखेंगे।